gas obeys the equation of state P into V minus P is equal to RT. ठीक है, equation of state मतलब वन ड्रो वाले equation of state की बात कर रहे हैं, where B is a constant. The slope for an isochore will be. Slope of an isochore बोला तो है, लेकिन किसके versus क्या graph बना रहे हैं? जैसे होता है ना P versus T, वन ड्रो वाले equation of state में Z versus P, किसका graph बना रहे हैं? ऐसा तो कुछ mention नहीं किया है इसमें. तो अपना बेसिक पार्ट लेके चलते हैं. जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो अगर अपना ये बेसिक पार्ट कंसिडर करके चले हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला पार्ट, तो उस केस में जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाले पार्ट की जगह पे पी एक्सक्यूज मी इसमें पी इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी दे रखा है, ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. यही एक पॉसिबिलिटी है. तो इस केस में जैसे अगर हम लोग यहाँ से पी वर्सेस टी का ग्राफ बनाए जो नॉर्मली आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है, तो P इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई वी माइनस बी इंटू टी ले सकते हैं. और आइसोकोर बोला, आइसोकोर का मतलब हो गया कि हम लोगों का वॉल्यूम वाला पार्ट कांस्टेंट है. B तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट होता ही है, तो इसका मतलब हम लोगों का वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम लोगों का B कांस्टेंट है. तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ से एक्सप्रेशन हो जाएगा P इज इक्वल टू के टी. तो P इज इक्वल टू के टी में मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का पार्ट है, जिसमें m वाला पार्ट अपना स्लोप है. तो स्लोप वाला पार्ट आराम से अगर हम लोग एक मोल के लिए कंसिडर करें तो r अपॉन v माइनस b कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. लेकिन एटलीस्ट सवाल में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि हम लोग ग्राफ किस फॉर्मेट में बना रहे हैं, मतलब किसका वर्सेस कितने में बना रहे हैं. बट अदरवाइज r अपॉन v माइनस b एक ये सुटेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो पॉसिबल हो सकता है.